मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अब दर्शक और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुफ्ती सलमान अजहरी का केस जिस तरीके से आगे जाकर के काफी पेचीदा हो गया, उसी मामले पर लगातार जो है अब सवाल उठ रहे कि मुफ्ती अजहरी पर सियासत क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पूरे देश में अगर देखा जाए 26 मुस्लिम सांसद है और अगर कोई भी सांसद इसकी मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की आवाज़ उठाता तो कहीं ना कहीं आज जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी सभी के बीच होते और वो रिहा होते। लेकिन आपने सुना कि घाट के ऊपर में किस तरीके के उनके समर्थक आए, उन पर भी मामला दर्ज हुआ और मुफ्ती सलमान अजहरी जिनके अलग अलग पुलिस स्टेशनों में गुजरात के मामला दर्ज हुआ, इस मामले पर सलमान अजहरी का केस, अभी आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है या किस तरीके का आप जो है कदम उठाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि इतने दिन गुजर गए, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कैद में हैं। और मेरी तरफ़ से हमने बहुत सारी कोशिशें की है, प्रोटेस्ट वगैरह की मांग भी हमने की, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई भी कदम हमें उठाने के लिए नहीं दे रही है। हमारी कोशिश ये है और हमारी चाहत भी यही है कि हमारे जितने रहनुमा हैं, जितने कायद हैं, जितने पीर हैं, जितने सज्जादा नशीन हैं, गद्दा नशीन हैं, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो तमाम लोग अपनी अपनी आवाज़ जो है वो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए उठाए। अगर वो सब मिलकर एक एक भी अगर सामने आए और सरकार से अपील करना शुरू कर दे तो उनकी आवाज़ इतनी बड़ी है हिंदुस्तान के अंदर कि बड़े बड़े कायद अगर हमारे सामने आने लग जाए और वो उनके लिए बात करने लग जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए आसानी हो सकती है। अभी जिस तरीके से चुनाव का माहौल चल रहा था उसी बीच सांसद अलग अलग क्षेत्र से जो है मुसलमान चुन करके आए हैं बहुत सारे, तो क्या लगता है कि ऐसे मुस्लिम सांसदों को उनके सांसद पद नहीं चाहिए? इसलिए क्योंकि मुस्लिम सांसद को जो वोट मिलते हैं वो मुस्लिमों के ही मोस्टली उनको वोट मिलते हैं, तो अगर हमारे वोट उनको मिले हैं और वो सांसद चुन कर आए हैं और वो वहाँ तक पहुँचे हैं तो उनको चाहिए कि जिस तरह मुसलमानों का उन्होंने वोट लिया है उसी तरह मुसलमानों का दर्द समझते हुए उन्हें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उन्हें सरकार से अपील करना चाहिए कि इतने बड़े मुफ्ती को और बेगुनाह और बेकसूर जो है और जिन्हें फंसाया गया है एक छोटे से जुमले के तहत, उनके इतनी लंबी जो है वो केस चलाया जा रहा है और इतने दिनों से उनको अंदर रखा गया है, तो उन सांसद को इस बारे में सदन में ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिल सके। अच्छा, ये तमाम जो रिहाई की आप मांग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से राजनेता के ऊपर तो आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आपका मुंबई जो क्षेत्र है यहाँ पर मोइन मियाँ हज़रत जो काफ़ी मुसलमानों के लेकर के भी काफ़ी करीबी जो है दर्द समझते हैं, लेकिन मुफ्ती अजहरी के मामले पर मोइन मियाँ खुल करके क्यों नहीं आए? मुझे उम्मीद है कि हज़रत मोइन मियाँ वो भी इस उम्मत के और बहुत बड़े मिल्लत के जो है वो कायद हैं, और मैं अगर मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो मैं उनसे यही कहूंगा कि लोग आपसे भी मुंतज़िर है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मोइन मियाँ इस मामले में भी आगे आएंगे और उम्मीद है कि मोइन मियाँ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। लगता है कोई मुसलमान जिस तरीके से बड़े बड़े हजरात होते उनका इस पर ध्यान दिया गया होगा? बड़े लोगों ने ध्यान तो दिया है लेकिन कुछ वक्त गुजरते गुजरते जो है जिस तरह अवाम भूलती चली जा रही है इसी तरह मुझे एहसास हो रहा है कि बड़े बड़े उलमाए किराम भी जो है उन्हें भूल रहे हैं और अपने अपने कामों में वो मशगूल है, लेकिन आज भी बहुत सारे बड़े उलमाए किराम ऐसे हैं जिनके सीनों में आज भी उनका दर्द है, वो चाहते हैं कि कुछ हो लेकिन शायद उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी करंट अपडेट क्या चल रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी की कोर्ट में किस तरीके की चल रहा है पूरा मामला, पासा एक्ट हटेगा नहीं है, कुछ जानकारी है इस बारे में? तो अभी कोई जानकारी जो है इतनी मुकम्मल तौर पर नहीं आई है क्योंकि अभी हाल में ही उनकी सुनवाई थी लेकिन कोर्ट ने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो मूव किए हैं, उस तरफ गए हैं, तो आगे शायद कार्रवाई होगी तो उस बुनियाद पे आगे कोई फैसला आएगा तो हमें पता चलेगा। गुजरात गए हो? नहीं, मैं इस मामले में तो गुजरात नहीं गया हूँ, इस मामले में नहीं गया। आपके कोई सदर जिसके आप अभी मुरीद हैं? जैसे कि मेरे जो उन्होंने मुझे बताया है कि बहुत बुरी तरीके से उन्हें फंसाने की साजिशें की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर कोशिश की जाए तो कुछ हल उसका निकल सकता। आप कब जाएंगे? अगर मैंने तो एक कुछ महीने पहले उनके बड़े भाई से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि मुफ्ती साहब से मुझे मुलाकात करनी है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुलाकात करना मुश्किल है इसलिए क्योंकि खाली ब्लड रिलेशंस को ही मिलने दिया जा रहा है और वो भी 10 से 15 दिन में एक बार मिलने दिया जाता है, तो मिलना तो बहुत मुश्किल है आपकी। तो
तो उनका अपडेट क्या है, किस तरीके से उनके सहयोग हो रहा है खाने पीने पर ध्यान, या किस तरीके से उस बारे में बातचीत? इसकी तो बहुत सारी खबर आ रही है, न्यूज़ में भी बहुत सारी खबर आ रही है, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने यही है कि मुफ्ती साहब की तबीयत, चूँकि पहले से ही उनको बैकबोन्स में प्रॉब्लम भी रही है, तो वो उस वजह से भी थोड़े परेशान होंगे, और उन्हें अगर आम लोगों की तरह अगर अंदर रखा जा रहा है तो इसलिए भी उनको तकलीफ़ होगी। और ऐसे भी जेल का खाना किसे ही पसंद होता है, तो शायद मुफ्ती साहब को लगातार उस खाने की वजह से भी उनके अंदर बीमारी की जो है वो आशंका हो रही है और उनके अंदर कमज़ोरी भी आ रही है। आप कहाँ से आए हुए? मैं धारावी से आया हुआ हूँ। और तो आप धारावी से आए हुए हो, क्या आपके जो क्षेत्र में अभी जिस तरीके से एक हत्या का मामला हुआ था उसमें राजू चौबे का जो स्पीच था, उनका स्पीच और मुफ्ती सलमान अज़हरी का स्पीच अगर देखा जाए तो क्या राजू चौबे का स्पीच जो है मुफ्ती अज़हरी से कम हेट स्पीच था? नहीं, राजू चौबे की जो स्पीच है वो तो बहुत ज़्यादा हेट स्पीच है, और मुफ्ती साहब की हेट स्पीच को हेट कही नहीं जा सकती, वो हेट स्पीच नहीं है, उसको खाली एक नाम दिया गया है। असल में उन्होंने एक शेर पढ़ा, उस शेर को इन तमाम समुदाय के लोगों ने अपने ऊपर लिया, बल्कि तमाम ने नहीं लिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के मामलात करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसे जो है एक प्रोपोगंडा के तौर पर बनाया और मुफ्ती साहब के इस जुमले को जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो है वो नाम दे दिया और इसलिए उन्हें फंसाया गया। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वो हमेशा जो है इस हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बात की है, अमन के लिए बात की है, और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अगर राजू चौबे की बात की जाए तो वो तो लगातार धारावी में उसने कोशिश की है कि ऐसा कुछ दंगा हो, और इससे पहले भी उन्होंने कई मर्तबा कोशिश की है, इस बार भी उसने कोशिश किया है, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि धारावी के अंदर तोड़ फोड़ हुआ और किस तरीके से रिक्शे वाले को मारा गया, किस तरीके से झंडे को निकाल के तोड़ा गया, बल्कि ये पुलिस के सामने सारा मामला पेश आया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दूसरी मर्तबा जब उन्हें परमिशन दी गई तो उससे पहले मैं धारावी के पुलिस चौकी में मौजूद था और हमने वहाँ बात की, तो उन्होंने पूरी तरीके से हमें यकीन दिलाया कि इस बार इस कुछ भी नहीं होगा।